फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा डेरिवेशन ऑफ ऑप्टिमल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस अंडर द डिस्क्रीट टाइम फ्रेम। जो ये कोर्स कोड होगा EMEC 108, जिसका टाइटल है इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरमेंट। ये PBI क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहां पर हम डेरिवेशन करेंगे अंडर द डिस्क्रीट टाइम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे में आई होप कि मिल जाएगा, उसमें हम डेरिवेशन करके आपको दिखाएंगे ऑप्टिमल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस अंडर कॉन्टिन्यूअस टाइम फ्रेम वर्क, वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंस इक्वेशन का हम सोल्यूशन करेंगे, और जिन्होंने फर्स्ट ईयर किया है तो उनको तो आता होगा, लेकिन बहुत लोग प्रमोट भी होंगे, ऐसे भी बंदे होंगे, तो उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वीडियो को अंत तक देखें। आपको जोड़ घटाओ गुना भागा आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए, आसानी से समझ जाओगे। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। एक ऐसा रिसोर्सेज जिसका स्टॉक फिक्स्ड नहीं होता है, इट कैन चेंज ओवर द टाइम, ठीक है, बढ़ता घटता रहता है, चेंज मतलब बढ़ना घटना होता है। ये नेचुरली इंक्रीज हो जाएंगे ओवर द टाइम अगर इसके स्टॉक को हम अलाउ करें रीजनरेट होने के लिए। अब एग्जांपल क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेस का, बहुत सारे एग्जांपल से भरा पड़ा है, जैसे फॉरेस्ट्री कह लो, फॉरेस्ट यानी जंगल वाला, फिर आप कहो फिशरी, जो स्टॉक होता है फिशरी का तालाब वगैरह में या कहीं भी रिवर वगैरह में, इसके अतिरिक्त आप कह सकते हो मेरियन रिसोर्सेस, जो समुद्र में मछलियां वगैरह जो भी है, इसके अतिरिक्त वाटर भी होगा। तो ये सारा एग्जांपल है जो डिस्क्रीट टाइम मॉडल को डिस्क्राइब किया जाता है डिफरेंस इक्वेशन से। हर कंटिन्यूअस जब हम पढ़ाएंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन से, डिफरेंस इक्वेशन से किया जाता है। XT इज द फंक्शन ऑफ XT+1, विच इज द फंक्शन ऑफ XT। यानी यहां पर T आ रहा है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2020 को हम डिनोट कर देते हैं भैया XT से, तो इसमें 2021 को 2021 को एक बढ़ा के हम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये पता चल रहा है नेक्स्ट ईयर का है, वो फंक्शन है क्या करंट ईयर के किसी चीज पर, यही आप समझने की कोशिश करो। अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग XT बराबर हम लिख सकते हैं, XT बराबर हम करते हैं A+BXT, ठीक है। तो अब हमारा जो, फिर अगेन हम इसको लिख सकते हैं X+T=, इतना बराबर क्या है भैया, ये है, ये आप ऐसे भी कर देते हैं, F is the function of, तो now ये हम लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं XT+1 और इसको -BXT=A। कुछ नहीं किया भैया, ये अपने जगह पर रह गया, इसको मैंने RHS से LHS साइड में किया, ये माइनस में हो गया और ये इक्वल टू हो गया। अब यहां साफ सुथरा आपको नजर आ रहा होगा, ये बन गया है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है, ये बन गया है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। अगर MEC थर्ड फर्स्ट ईयर में तीसरा पेपर पढ़े होंगे तो आपको आता होगा। अब इसका दो सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो हम लोग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका। तो आप देखो, जब भी पर्टिकुलर सोल्यूशन पर फोकस करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो पर्टिकुलर जो सोल्यूशन होता है वो उसको जो किससे करते हैं, नॉन होमोजीनस केस से। जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये वाला, ये क्या है, नॉन होमोजीनस केस से, ठीक है। तो इसको मैं कुछ मानूंगा, अगर XT=K मान लेते हैं, K जहां कांस्टेंट है, जैसे आपका हाइट है, अगर 25 वर्ष 30 वर्ष के होंगे तो आपका हाइट फिक्स्ड हो गया। तो अगर इस साल आपका 2020 में या 21-22 में, मान लीजिए ये 22 को हम डिनोट कर रहे हैं, अगर हाइट आपका 5 फीट 6 इंच है, तो नेक्स्ट ईयर जो 2023 में आपकी हाइट सेम ही रहेगा, के रहेगा।
अब ये दोनों वैल्यू को यहां बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा k माइनस बी, फिर अगेन k, यानी एक्स टी प्लस वन का वैल्यू यहां एक्स टी का इक्वल टू a। अब ये दोनों में कॉमन है k, निकाल लेते हैं, वन माइनस बी इक्वल टू ए, तो देयर फोर के इक्वल टू ए बाय वन माइनस बी। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम p से डिनोट करेंगे, वो इक्वल टू k होगा, और k बराबर आपका आ गया a वन माइनस बी। हम यहां लिख लेते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन इक्वल टू a बाय वन माइनस बी, पहला काम हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो कंप्लीमेंट्री फंक्शन का। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा, होमोजीनस केस से। अब होमोजीनस केस इस इक्वेशन को बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एक मिनट में समझ में आ जाएगा। कंप्लीमेंट्री फंक्शन, अब ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन जब भी निकलेगा तो होमोजीनस केस से, होमोजीनस केस के करने के लिए जो ए को है उसको इक्वल टू के बाद ए ना रख के जीरो कर दीजिएगा, यहां कुछ भी होगा जीरो कर दीजिएगा तो होमोजीनस केस होगा, यानी इक्वल टू के बाद जीरो होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं रहनी चाहिए। तो एक्स टी प्लस वन माइनस बी एक्स टी इक्वल टू जीरो, देख लीजिए सिर्फ ए को जीरो बना देंगे तो ये अब होमोजीनस केस हो जाएगा, और होमोजीनस केस से कंप्लीमेंट्री फंक्शन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा एक्स टी इक्वल टू ए सी टी, मैंने सी टी इसलिए किया, यहां ऑलरेडी बी है, बी टी भी कर सकते हैं, ठीक है आप सी टी करना। तो एक्स टी प्लस वन इक्वल टू ए सी टी प्लस वन, जहां टी है वहां वन जुट जाएगा। अब ये वैल्यू यहां पर बैठा देते हैं, तो ए सी टी प्लस वन माइनस बी ए सी टी इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू बी का यहां रह गया, ये एक्स टी का वैल्यू या एक्स प्लस टी का वैल्यू। अब इसको इसमें दोनों में कॉमन है एक्स ए सी टी इक्वल टू, यहां पर सी बचेगा, यहां बी इक्वल टू जीरो, ये टर्म उधर जाके जीरो से डिवाइड होगा तो जीरो होगा, तो बी सी माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस सी इक्वल, ये बी इक्वल टू सी। अब किसी लोग को यहाँ प्रॉब्लम होगा भैया सी कैसे लिख दिए, तो लॉ ऑफ इंडिसेस मैं बता देता हूँ, सी टी प्लस वन यही है ना, तो इसको अगर किसी भी ए टू दी पावर एम प्लस ए, ये रहे ए टू दी पावर एम प्लस एन रहे तो इसको लिखा जा सकता है ए टू दी पावर एम इन टू एन, दोनों का बेस सेम रहेगा तो उसका पावर एडिट होगा, तो यहां पर सी टी इंटू सी वन। अगर सी जैसे वन आप लिखो ना लिखो हिडन पावर वन होता है, ठीक है, अगर यहां पर हम सी टी निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा दूसरा में क्या, सी बचा, ए तो हमारा दोनों में है, ठीक है, तो यहां से सी टी निकाल लेंगे तो सी बचेगा, यहां सी का वन भी दे सकते पावर, नहीं भी लिखोगे तो वो कंसिडर किया जाता है वन। अब हमारा जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसको हम डिनोट करेंगे एक्सी से, उसके इक्वल टू हम लिखेंगे ए, और सी बराबर क्या है बी आया बी टी, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हम लोगों ने निकाल लिया एक्स इक्वल टू ए बी टी। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन हम निकालते हैं, तो दोनों हमारा ऑलरेडी रिजल्ट जो है वो हम निकाल चुके हैं, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए पहले हमको जगह बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद डिफिनिट सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, इट इज द सम ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूशन एंड कंप्लीमेंट्री फंक्शन, इट कैन बी जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, कैन बी रिटेन एक्स टी इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी, इट इज द सम ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन।
सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ई ए बी टी प्लस एक्स पी इक्वल टू ए वन माइनस बी। ठीक है, अब हाउ टू गेट द डिफिनिट सोल्यूशन, अब डिफिनिट सोल्यूशन कैसे प्राप्त करें, इट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो एज्यूम करना पड़ेगा टी इक्वल टू जीरो, उसके बाद आपको ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहां पर एक्स जीरो, जहां जहां टी है आपको जीरो करते चले जाए, बी टू दी पावर जीरो प्लस वन ए बाय वन माइनस बी। जहां पर बी का वैल्यू जीरो हो गया तो इसका मतलब किसी भी नंबर का हैविंग द पावर जीरो इट्स वैल्यू वन, दैट्स द वाई बी हैविंग द पावर ऑफ जीरो वैल्यू इक्वल टू वन। तो अब यहां पर एक नया फिगर बन गया, ए बी का वैल्यू वन, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे ए को तो ए ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद अब इजिली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए, जस्ट एक्स जीरो माइनस ए वन माइनस बी, ये ऐसे रख दिए, ये ऐसे रख दिए इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू हमारा निकल चुका है। अगर इसी ए का वैल्यू को जनरल सोल्यूशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा डिफिनिट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं डिफिनिट सोल्यूशन, डिफिनिट सोल्यूशन, डिफिनिट सोल्यूशन। तो यहां एक्स टी इक्वल टू ए का वैल्यू हमारा अब लंबा चौड़ा ये निकल गया है, तो ये लिखते हैं एक्स जीरो माइनस ए वन माइनस बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, एंड बी टी प्लस ए ऑब्लिक वन माइनस बी, दिस इज द डिफिनिट सोल्यूशन। ठीक है, डिफिनिट सोल्यूशन हमारा हो गया। अब यहां पर हमारा जो डिफिनिट सोल्यूशन होगा तो जो बी का वैल्यू रेंज करेगा, बी का वैल्यू वो ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन होगा। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन होगा, तो कंडीशन है। उसके पहले मैं एक ग्राफ खींच लेना चाहता हूं, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी यानी मैक्सिमम कैपेसिटी, कोई भी फिशरी हो, कोई भी मैक्सिमम फिशरी या फॉरेस्ट का जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी जो होल्ड कर सकता है फॉरेस्ट, वो चीज ग्राफ के द्वारा मैं दिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। इसको सिग्मोइड या एस शेप ग्रोथ कर्व कहते हैं। देखो यहां पर मैं खींच रहा हूं, इधर टाइम, इधर जो भी रिसोर्सेस हम बात कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, फॉरेस्ट्री हो, वाटर हो, फिश हो, मैरियन रिसोर्सेस हो। ठीक है, ये ओरिजिन टाइम हो गया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहां से आपको एस कर्व के तरह जाएगा, इसको ग्रोथ को हम डिनोट कर रहे हैं एस के तरह जाएगा, जिसको हम एस शेप, इसको हमारा नाम, इसको हम नाम दे सकते हैं एस शेप, दिस इज द, इसको हम लोग कहते हैं एस शेप ग्रोथ कर्व, एस शेप ग्रोथ कर्व कहते हैं, जिसको सिग्मोइड भी कर्व कहते हैं। देखो सिग, इसको दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं सिग्मोइड कर्व। ठीक है, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग का क्वेश्चन ऐसी होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये जो कैरिंग, जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी आप दिखा रहा है, इतना ज्यादा आपका फॉरेस्ट हो, फिशरी का जो भी स्टॉक हो, चाहे वो पाउंड हो, कुछ भी हो, ये मैक्सिमम कैपेसिटी जो होल्ड कर सकता है किसी भी रिसोर्सेस का, ये दिखाया गया है। अब इसका वैल्यू रेंज करता है ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन बी का वैल्यू, तो इसका मतलब है साफ कि ये जब ऐसा करेगा तो टी जो है वो टेंड टू इन, जब सिंस इतना ये, जब बी का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन होगा तो टी हमेशा टेंड करेगा इन्फिनिटी के तरफ, यस कीजिए, और जब ये इन्फिनिटी के तरफ करेगा तो ये जो होगा, जो एक्स टी है वो बराबर होगा पार्टिकुलर सोल्यूशन के। ये कैसे होगा ये जान लो, जहां जहां टी है, अब यहां पर टी में हम इन्फिनिटिव कर देंगे, जहां पर टी है वहां इन्फिनिटिव कर दो, तो ऑब्वियसली ये जो जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू, और जीरो से या बी, बी टू दी पावर इन्फिनिटिव किसी भी नंबर का होगा जीरो होगा, और जीरो से ये होल टर्म बिकम जीरो होगा, तो प्लस करेंगे तो ए ऑब्लिक वन बाय ए, जो बिल्कुल बराबर है पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए।
तो यहां साफ कहा जाता है, इसे ये डिस्क्राइब किया जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जिसको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ये बीएससी में आपको पढ़ना पड़ता है, थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिकल मॉडलिंग में, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिकल मॉडलिंग में। तो एक्स टी प्लस वन इक्वल टू ए एक्स टी, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, ठीक है, वन माइनस एक्स टी। अब यहां क्लियर हो गया कि ये जो एग्जीबिट करता है या शो करता है लोअर ग्रोथ एट द लोअर लेवल ऑफ पॉपुलेशन एंड हायर ग्रोथ रेट एट द हायर लेवल ऑफ पॉपुलेशन एट द इमीडिएट लेवल ऑफ पॉपुलेशन, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पॉपुलेशन। अगर किसी चीज का जो पॉपुलेशन कम होगा तो उसका ग्रोथ रेट भी कम दिखाता है इस लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व से। और यहां पॉपुलेशन का मतलब भी मत समझना आदमी का, यहां पर फिशरी, फॉरेस्ट, मैरियन रिसोर्सेस, वाटर वगैरह का बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरह का जब किसी भी चीज का जब पॉपुलेशन लोअर लेवल का पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट उसका लोअर होता है और हायर पॉपुलेशन लेवल में ग्रोथ रेट मैक्सिमम होता है, इस तरह का कब बिहेवियर कोई शो करता है उसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ। बाय नेम आपको पता चल रहा है जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा, इसी को हम डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ कहते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट वीडियो ऑन डेरिवेशन ऑफ ऑप्टिमल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस अंडर द डिस्क्रीट टाइम फ्रेम, एंड नेक्स्ट डे आई विल make a video on the derivation of the optimal use of renewable resources under the continuous time frame, and it is a most VVI question for your examination that take place on 8 August, and wishing you best of luck for all students, and share as much as you can, and if you come first time at my channel, never forget to hitting the bell icon for all notification so that you can get my latest video notification easily. Best of luck, and I will see you on next video. Take care. Bye-bye.